हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुष्मिता कुकिंग चैनल और मैं हूँ सुष्मिता। आज हम बनाने वाले हैं चिकन चाइनीज मैगी। और इसके लिए अब हम एक पैन को गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे व्हाइट ऑयल। मैगी में हम कुछ वेजिटेबल्स का भी यूज़ करेंगे और वेजिटेबल्स में मैंने लिया है हरे प्याज को चॉप करके और उसका व्हाइट पार्ट भी चॉप कर लिया है। प्याज को मैंने स्लाइस काटा है, हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, गाजर और कैप्सिकम को स्लाइस कर लेंगे। अब हम हरे प्याज को छोड़कर बाकी सारे वेजिटेबल्स डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें चिकन ऐड कर देंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। अब हम इसे कुछ देर तक फ्राई करेंगे ताकि चिकन थोड़ा और वेजिटेबल्स भी हल्का सॉफ्ट हो जाए। तो अच्छे से हम हाई फ्लेम में फ्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, विनीगर डाल देंगे 1.5 टीस्पून, 1.5 टेबलस्पून टमेटो केचप ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे क्योंकि सब्जी हमें क्रंची फ्राई करना है, एकदम इसको सॉफ्ट नहीं कर लेना है। तो इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे, लगभग 5 मिनट हाई फ्लेम में हमें फ्राई कर लेना है। तो कुछ देर बाद देखिए सब्जी फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैगी। मैंने मैगी को पहले से बॉईल करके रखा था। तो अच्छे से हम मैगी को वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे एक स्पून का भी यूज़ करके इसे मिक्स कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स भी हो जाता है, बाहर भी नहीं उतना गिरता है। कुछ देर अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए मैगी रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर जो चॉप हरे प्याज के पत्ते रखे थे उसे डाल देंगे। मैगी मसाला डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 पैकेट मैगी मसाला के यूज़ किया है और मैगी यहाँ पे 3 पैकेट है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके कुछ देर तक फ्राई कर लेंगे। कुछ देर फ्राई होने के बाद देखिए मैगी रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए आप इस मैगी को एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।